यहां जो बबुआ जी है, बबुआ जी यानी हमारे समाजवादी सहजादे, अब उन्होंने एक नई बुआ की शरण ली है। ये उनकी नई बुआ जी है बंगाल में, अरे बंगाल वाली बुआ जी ने कह दिया है, हिंदी वालों को कहा है कि मैं आपको बाहर से सपोर्ट करूंगी। इंडी गठबंधन की एक और पार्टी ने दूसरी को कह दिया है, खबरदार जो हमारे खिलाफ पंजाब में बोला, पीएम पद को लेकर भी सबके सब मुंगेरी लाल को भी पीछे छोड़ रहे हैं, इनके सपनों की इंतहा देखिए। कांग्रेस के एक नेता ने कह दिया कि रायबरेली के लोग प्रधानमंत्री चुनेंगे, ये सुनते ही समाजवादी साहजादे का दिल ही टूट गया। बस आंसू नहीं निकले, लेकिन कांग्रेस तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की तैयारी कर रही है। सपा कांग्रेस वाले, जब मैं ये कहता हूं ना कि भाई कांग्रेस में ही रहने वाले एक नेता ने कहा है कि वे लोग ये कोर्ट का निर्णय पलटना चाहते हैं, कुछ लोगों ने, यार ऐसा तो कैसे हो सकता है, भ्रम में मत रहिए। देश जब आजादी का आंदोलन कर रहा था ना, और देश के टुकड़े करने की बात आती थी, तो देश का हर व्यक्ति क्या, नहीं नहीं यार, देश के टुकड़े थोड़े होते हैं, देश के टुकड़े होते होते हैं, हो गए कि नहीं हो गए, इन्होंने कर दिया कि न कर दिया, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं जी, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है, इनके लिए देश वेश कुछ नहीं है भाई, उनके लिए तो उनका परिवार और पावर, यही उनका खेल है। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। भारत माता की, फिर देश नामों को चुनकर लाया, मोदी नामों ने भी अपना वादा निभाया, मोदी देश जो था मोदी अपना, बस यही था स्वागत है भाई, स्वागत है, चुनता रहा वो स्वागत है भाई, स्वागत है, जो जनहित में हो स्वागत है भाई, स्वागत है, सपने नहीं हकीकत बुनते, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी को चुनते, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी को चुनते, स्वागत है भाई, स्वागत है, भारत को ही माने अपनी माता, देश की जनता है उसका विधाता, नाम से पहले वो काम को चुनता, तभी तो उसकी हर कोई